वेलकम टू पीएनटी डिजिटल वर्ल्ड। ओके गाइस, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि वो भी स्किल्स के बारे में ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, आप हार्ड स्किल्स में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो अपने एजुकेशन के मुतालिक, या आपको जो भी टेक्निकल स्किल आती है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती है, आप उसको अपनी हार्ड स्किल टेक्निकल स्किल में मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल की। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? ये वो स्किल्स होती हैं जो कि आपको जब आप, अगर आपकी हायरिंग होती है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको टेक्निकल काम करने में ये हेल्प करेंगी। इन केस अगर आप किसी कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर जाते हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपके पास कौन सी एक एक्स्ट्रा स्किल हो, एक तो आप कंटेंट राइटिंग करोगे ही करोगे, आपने कंटेंट लिखना है, कंटेंट जनरेट करना है, आप ये कंटेंट जनरेट करोगे, लेकिन उसके साथ वो कौन सी स्किल्स होंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं वहाँ पर सस्टेन करने के लिए, कंपनी के अंदर सर्वाइव करने के लिए और कंपनी में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कि यू आर अ वेल परफॉर्मर, वो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। उनमें कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। जैसे कि टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, अडेप्टबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, एक्टिव लिसनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, गुड प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ, एबिलिटी टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑन द टेबल, यानी आपको अपनी बात अगले बंदे के सामने प्रेजेंट करने का तरीका कराना चाहिए। अब मैं इसको हल्का हल्का जो है ना, बिल्कुल लाइट वे में इसको, इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ हर सॉफ्ट स्किल की। टीम वर्क, जैसे कि आपको पता है कि आपने पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है, मिलके काम करना होता है, आपको एक टीम के साथ काम करना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना आना चाहिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी होती है वहाँ पे, क्योंकि टीम्स काम करती हैं ऑफिस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है कि हमें ये टास्क के अंदर ये मसला आ रहा है, तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको अपने स्किल्स की बेस पे। आप सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, यानी अगर कोई आपको, अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, आपने उसको विद इन टाइम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके उस टास्क को कंप्लीट करना है, ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, आपने एक ऑर्गेनाइज मैनर में उस टास्क को कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट, ये तो बहुत बड़ी एक सॉफ्ट स्किल है कि अगर आप विद इन टाइम किसी भी टास्क को डेडलाइन के अंदर अंदर अकम्प्लिश करते हो, ये बहुत बड़ी सॉफ्ट स्किल है और ये होना बहुत ज़रूरी है एक कंपनी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। फिर मोटिवेशन, आपके पास मोटिवेशन हो, अडेप्टबिलिटी हो कि जहाँ आपको जिस मर्ज़ी फील्ड के अंदर, टास्क के अंदर आपको जो मर्ज़ी टास्क दिया जाए आप उसको करने के काबिल हो जाएँ, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, आपके पास लीडरशिप स्किल्स हों, ठीक है जी, आपके पास एक्टिव लिसनिंग हो, अगले बंदे को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, किसी को भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करते हों, तो अच्छी कम्युनिकेशन हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इन पॉइंट्स को एज इट मेंशन कर सकते हो कि जी मेरे पास टीम वर्क भी है, मेरे पास सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है, मोटिवेशन भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो एज इट, और ये ज़रूरी होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। ओके गाइस, अब मूव करते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, कि आप जब सीवी को राइट कर रहे होते हो तो आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को कैसे मेंशन करना है। अगर एक्सपीरियंस है तो उसको कैसे मेंशन करना है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उसका क्या तरीका क्या है, प्रोफेशनल वे क्या है और किन चीज़ों को रिकमेंडेड किया जाता है। तो सबसे पहले है कि आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ऐसे मेंशन करना है कि एम्प्लॉयर को लगे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। वो एक्सपीरियंस आपको पूरे क्राउड में से एक यूनिक शेप दे दे, क्या यू आर द यूनिक पर्सन, यानी ये कैसे पॉसिबल होगा। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है,
आप उसको अच्छी तरह स्टडी करने के बाद अपने अपने स्किल्स की उससे मैचिंग करें कि यार मैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कितना मैच कर सकता हूँ। फिर वहाँ से चीज़ उठाने के बाद, पिक करने के बाद, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी स्किल से मैच कर रही है, उसको CV के अंदर मेंशन करें। ये बेहतर तरीका है CV को एम्प्लॉयर के मुताबिक बनाने के लिए। ठीक है जी, अब बताता हूँ कि आपने, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आपने उसको कैसे मेंशन करना है। एक्सपीरियंस को मेंशन करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने सबसे पहले टाइटल लिखना है कि आप पहले कौन सी जॉब करते रहे हो, आपके पास कौन सी पोजीशन थी। जैसे अगर इन केस आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक वेब डेवलपर हो, तो आप लिखोगे कि मैंने वेब डेवलपमेंट की हुई है। ठीक है, किसके अंदर की हुई है, PHP के अंदर की हुई है, Node.js के अंदर की हुई है, .NET के अंदर की हुई है, वो मेंशन करोगे। फिर आप एम्प्लॉयर का नाम मेंशन करोगे कि आप कौन सी कंपनी में काम करते रहे हो, आपका डेट ऑफ टेन्योर कौन सी है, कि कौन सी डेट से लेकर किस डेट तक आपने एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर काम किया है, आप पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कि आपने किन किन चीज़ों को परफॉर्म किया, आपने ड्यूरिंग जॉब कौन सी स्किल्स लर्न की वहाँ से, आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किए हुए हैं। ये चीज़ मेंशन करनी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का इससे पहले, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी मेंशन करना है, यानी टाइटल, एम्प्लॉयर, डेट ऑफ टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स यू हैव लर्न्ड, accomplishments and projects you have done। इन चीज़ों को mention करना है आपने जब आप अपने experience को write कर रहे होते हो। अगला जो point है जो कि आप professional experience के अंदर mention करोगे वो ये है कि आपने till now आज तक जो काम किया हुआ होगा आपने mention करना है, चाहे वो एक full time job हो, चाहे वो एक part time job हो, चाहे एक temporary role हो, चाहे वो कोई इंटर्नशिप हो, चाहे आपने कोई वैसे ही वॉलंटियर काम किया हो, वैसे ही सलाह के लिए, माशरे के फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया हो, जिसे हम वॉलंटियर वर्क बोलते हैं, आपने उन चीज़ों को मेंशन करना है। ये आपके एक इम्पैक्टफुल पर्सन होने को डिनोट करती हैं ये चीज़ें, आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेंशन करना है वो है जी कि आपने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को मेंशन करना है जो कि उस जॉब से रेलिवेंट हैं। जिनकी हल्की फुल्की रेलिवेंसी है वो मेंशन कर दें, लेकिन जो बिल्कुल ही इररेलिवेंट हैं उनको मेंशन ना करें। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आपको पता होगा कि ये इसकी डिमांड नहीं कर रहे, लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो CV बढ़ जाएगी। CV का जो मैक्सिमम जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम 2 pages होता है। नंबर 1 1 page CV होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप उसको खींच कर 2 pages तक ले जाएं। तो इसलिए फिर आपको CV के पेजेस को मेंटेन रखने के लिए आपको फिर वही चीज़ ऐड करना पड़ेगी जो कि रिक्वायर की गई है जॉब डिस्क्रिप्शन में। फिर आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस हैं, आपने 3, 4, 5 जॉब्स की हुई हैं, यू आर वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या आपने 2-3 इंटर्नशिप्स की हुई हैं, या आपने 1-2-3 कंपनीज में काम किया हुआ है, तो उसको आपने कैसे वहाँ पे मेंशन करना है वो भी मैं आपको बताऊँ। वो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज़ होता है, कि जो रिसेंट जॉब होगी आपने वो बतानी है सबसे पहले कि मैं करंटली ये कर रहा हूँ, फिर आपने नीचे लिखना है कि इससे पहले मैंने ये जॉब की, फिर आपने लिखना है उससे नीचे कि मैंने ये जॉब की। इस ऑर्डर में आप लिखेंगे, यानी सबसे पहले करंट जॉब, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे भी पहले वाली। ये अपने ऑर्डर यूज़ करना है अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करने के लिए जब आप CV लिख रहे होंगे। और जब आप एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर रहे होंगे तो आपने उस वक्त प्रोडक्टिव फ्रेजेस को यूज़ करना है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि क्वालिटी इंग्लिश होना भी बड़ी अच्छी स्किल है एक अच्छी CV बनाने के लिए। यानी कि आप क्वालिटी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करो, क्वालिटी कंटेंट यूज़ करो, प्रोडक्टिव फ्रेज यूज़ करो। इससे आपकी जो CV होती है उसमें एक निखार पैदा होता है, एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आती है कि यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन
एंड यू आर डूइंग इट सो सीरियसली एंड प्रोफेशनली एज वेल। तो आपने प्रोफेशनल फ्रेजेस को यूज़ करने हैं, जैसा कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप कहोगे कि आई डिवेलप्ड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर साइट, आई परफॉर्म्ड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, आई डिज़ाइंड दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन। आप इस तरह यूज़ करोगे फ्रेजेस को अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करने के लिए सीवी में। और जो मेन बात है, अब इतनी चीज़ें सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब अपने इन चीज़ों को डिटेल में भी नहीं जाना कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिख दो। ज़्यादा डिटेल लिखेंगे तो क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सीवी को फ्रॉम ए टू जी रीड करें। उसने 10 से 15 सेकंड्स में ओवरव्यू देख के आपकी सीवी को फाइनल करना होता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। आमतौर पर जो अगर आप पास एक एक्सपीरियंस है, इनकेस अगर आपने कोई जॉब एक जॉब की हुई है और आप अगली जॉब पे स्विच करना चाह रहे हो और आपके पास एक जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आपने उस एक्सपीरियंस को 3 to 5 लाइंस के अंदर डिफाइन कर देना है। यानी कि 3 से 5 लाइनों के अंदर आपने अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर देना है। इससे ज़्यादा मेंशन नहीं करना। और उन 3 से 5 लाइनों में क्वालिटी कंटेंट को यूज़ करें, अच्छी वर्डिंग को यूज़ करें और आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेंशन करें। मैक्सिमम 3 to 5 लाइंस एक एक्सपीरियंस का। अगर आपके 2 एक्सपीरियंस हैं तो उसकी भी 3 से 5 लाइनें पहले एक्सपीरियंस की, फिर जो अगला एक्सपीरियंस है उसकी भी 3 से 5 लाइनें। उन 3 से 5 लाइनों में आप बताओगे कि आपने क्या किया था, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने क्या सीखा, आपने क्या नई चीज़ बनाई, आपने वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। आपने उन 3 से 5 लाइनों में इस चीज़ को डिफाइन कर देना है।